डॉक्टर सिंधिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं इस काउंटडाउन शो से आपके पास लाया हूं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बियर, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बियर एज वेल एज वरीड बियर। सब स्ट्रॉन्ग बियर नहीं है, उनमें कुछ बियर है जो वरीड बियर है, सच में कुछ पॉपुलर काइंड ऑफ बियर है जो सुनकर, जिसके बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ज्यादा ना टाइम गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सब वरीड बियर कौन सा है। तो पहले नंबर पर है द एंड ऑफ हिस्ट्री। सच में ये जो नाम है इससे पता चलता है कि ये बियर हिस्ट्री कायम कर चुका है। सच में ये जो परसेप्शन है ना बियर का, इसको चेंज करके रख दिया था ये बियर जब लॉन्च हुआ था। स्कॉटिश ब्रूडी ब्रूडॉग इस बेहतरीन बियर को लॉन्च किया था। ये एक इंडिपेंडेंट ब्रूडी है, अनवील किया था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बियर द एंड ऑफ हिस्ट्री को। 55% अल्कोहल के साथ इस बियर का प्राइस था इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 44,000 रुपीस, और सिर्फ 12 बोतल को बनाया गया था। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट था इस बियर का बोतल, जिसको डेड एनिमल का स्किन से कवर करके प्रेजेंट किया गया था, और वो एनिमल था स्टोर्ड एंड स्क्विडल्स, जिसको बहुत ही अच्छा ड्रेस करके बॉटल को अंदर में डाल के प्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि ये फोटो में आपको दिख रहा है। एक बेल्जियन एल बियर जिसको इन्फ्यूज किया गया था नेटल्स एंड जूनिपर बेरी से। सुना है ये बियर अमेजिंग टेस्ट भी करता है, बट नसीब कहा होगा अभी, क्योंकि 12 बॉटल को बनाया गया था और वो तुरंत बिक भी गया था, अभी तो कोई चांस ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है एक जापानीज बियर जिसका नाम है उनकोनोकुरो। सेंकेट ब्यूरी से ये प्रोड्यूस किया जाता है। एक जापानीज स्टाउट बियर है, बट कॉफी को इन्फ्यूज किया गया है। यूजुअली स्टाउट बियर में आपको कॉफी एंड चॉकलेट का टेस्ट मिलता है, बट वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ बार्ली के लिए। जो बार्ली को स्टाउट बियर में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको अच्छा करके डीप रोस्ट करते हैं, और उसके कारण ही स्टाउट बियर में वो चॉकलेट एंड कॉफी का फ्लेवर मिलता है, बट यहाँ पर इंटेंशनली कॉफी को मिलाया गया है। जी हाँ, इस बियर में कॉफी को मिलाया गया है, और इंटरेस्टिंगली ये कॉफी जो है ये हाथी का पॉटी से आता है। सुनकर सोच रहे कि दादा क्या बोल रहा है। जी हाँ, मैं 100% सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाथी को घास पत्तों के साथ साथ कॉफी भी खिलाया जाता है, और वो कॉफी जब हाथी खा लेता है तो वो डाइजेस्ट करने का कोशिश करता है, तो इसलिए हीट जनरेट होता है हाथी का पेट में, और उस हीट में वो जो कॉफी है वो रोस्ट हो जाता है और पॉटी के थ्रू वो निकल के बाहर आ जाता है, और तब जाके कंपनी उसको रिकलेक्ट करते हैं, उसको अच्छा करके वॉश करके उसको उस स्टाउट बियर में मिलाते हैं। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक हाथी को 33 केजीज कॉफी को खिलाना पड़ता है, और आउटपुट में मिलता है सिर्फ 1 किलो कॉफी, और इसीलिए ये काफी एक्सपेंसिव भी हो जाता है ये बियर। उन कोनो कुरो बियर का टेस्ट भी काफी अमेजिंग है। चॉकलेटी फिंट बिटर एरोमा एंड वंडरफुल रोस्टेड कॉफी एरोमा आपको मदहोश कर देगा। अब आता हूँ 3 नंबर पर, और ये 3 नंबर पर सबसे इंटरेस्टिंग एक बियर को मैं रखा हूँ, जिसका नाम है स्नेक वेनम। यूके का एक ब्रूइंग कंपनी ब्रू मास्टर इसको ब्रू करते हैं। जी हाँ, और ये है प्रोबेबली वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका परसेंटेज है 67.5% अल्कोहल। एक बियर, आप ये पर सोचिए, एक बियर जिसका परसेंटेज होना चाहिए 8%, मैक्सिमम 10 हो जाए, बट 67.5% अल्कोहल। व्हिस्की राम जीन वोडका, इनका जो परसेंटेज होता है वो 43 तक होता है, इवन वो अप टू 50% तक होता है, बट ये बियर उन सबको पीछे पछाड़ते हुए आगे निकल गया, 67.5% अल्कोहल। और तो और स्नेक वेनम बियर को पीने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल यूनिक है। वहां पर एक शॉट ग्लास दिया जाता है, वहां पर 35 ml आपको स्नेक वेनम बियर को पोर करना है, और धीरे धीरे सिप करना है। जी हाँ, जैसे विस्की को हम लोग सिप करते हैं वैसा ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट दुख का बात यह है कि इंडिया में ये बियर मिलता नहीं है, आपको फॉरेन कंट्रीज जाना पड़ेगा, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, और आगे है एक कैलिफोर्नियन बियर जिसका नाम है घोस्ट फेस किला। और घोस्ट फेस किला की बॉटल के ऊपर लिखा है द हॉटेस्ट बियर दिस साइड ऑफ हेल, मतलब ये एक बहुत स्पाइसी बियर है। बहुत सारा चिली को इसमें इस्तेमाल करके इस बियर को स्पाइसी बनाया गया है।
इस कैलिफोर्नियन बियर को बनाने के लिए 6 डिफरेंट तरीके का चिली को यूज किया गया है, जैसे कि घोस्ट पेपर, हालापिनो, सिरानो, हबनेरा, फ्रेस्को एंड एनहेमो। हालांकि अल्कोहल परसेंटेज जो है ओनली 5.2% अल्कोहल है, ये उतना स्ट्रॉन्ग बियर तो है नहीं, एकदम आम रेगुलर बियर है, बट इतना 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 हॉट है कि आप अगर पियेंगे, आपके अगर दम है तब जाके ये बियर आपको ऑर्डर करना चाहिए। इसका जो लेबल है वो काफी डरावना है, बच्चे लोग देखेंगे तो डर जाएंगे क्योंकि उसमें भूत का एक फोटो लगाया गया है और साथ में बहुत सारा स्टैट्यूट यानी वार्निंग को वहां पर दर्शाया गया है कि भैया आप अगर सख्त लौंडे हो तब जाके ये बियर आपको ट्राई करना चाहिए। अब आता हूं फाइनल प्रोडक्ट में। जी हाँ, फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बियर, और इस बियर का नाम है सप्रो स्पेस बर्ली। जी हाँ, वर्ल्ड का एकमात्र लौता बियर जिसको उगाया गया है स्पेस में। जी हाँ, 100% माल्टेड बार्ली जिसको उगाया गया है स्पेस में। इस बियर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्पेस बार्ली को सुप्रो ब्यूरीज का 4th जनरेशन हारूना निजो माल्टिंग बार्ली को 5 मंथ तक स्पेस स्टेशन में उगाया गया था 2006 में विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड ओकाहामा यूनिवर्सिटी। पर्पस था अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी इन फूड इन द स्पेस एनवायरनमेंट। तो सुप्रो ब्यूरीज ने ये मौका को गवाया नहीं, बनाया एक बेहतरीन बियर जो बाद में जाके नीलाम के जरिए सेल किया गया था। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग ये सब बियर। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज लिखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। And remember, don't do chess, do Jai Ho!